और ये देखिए है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये केक। और नाइफ डालने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट है उतना ही स्पॉन्जी भी ये केक बना है। और लेयर्स देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से निकल के आई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाएंगे चॉकलेट केक यानी ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। और अगर आपके पास भी व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो ये परफेक्ट वीडियो है आपके लिए, तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें मैं ले रही हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी। इसके बाद मैंने लिया है 3/4 कप दही, तो दही आपकी खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, 3/4 कप लिया है। और इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो ये मिक्स हो गया है अच्छे से और अब इसमें डाल देंगे ये रिफाइंड ऑयल। 1/4 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस लिया है फ्लेवर के लिए, इसको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये भी मिक्स हो गया है और अब इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देते हैं और इसमें लेंगे 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है, तो ये हमने डाल दिया 3 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। और अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से हम छान लेते हैं। छानना बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो केक है वो एकदम हल्का बनेगा, लाइट और फ्लफी बनेगा और लम्ब्स भी इसमें से सारे निकल जाएंगे। तो ये देखिए छान लिया है हमने और अब इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत तेज़ी के साथ मिक्स ना करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स कर देते हैं तो केक जो है वो हल्का नहीं होता है यानी लाइट और फ्लफी नहीं बनता है। और अब मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा दूध लिया है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम दूध लिया है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध डालते जाना है और बढ़िया तरीके से मिक्स करना है इसे और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। एक साथ सारा दूध ना डालें वरना बैटर गीला हो जाएगा। तो ये देखिए बैटर हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है, इस तरीके से फोल्डेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और लगभग 1/4 कप दूध हमारा यहाँ पर बच गया है, तो अब इसको एक साइड में कर देते हैं और एक बेकिंग टिन ले लेते हैं, इसको हम ग्रीस कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइंड ऑयल से। तो ये हो गया है और अब इसमें 1 चम्मच हम मैदा या फिर आटा डाल करके इसे बढ़िया तरीके से डस्ट कर लेते हैं, इससे केक हमारा बेक होने के बाद चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए ये भी तैयार हो गया है और अब तैयार किए हुए बैटर को इसमें हम डाल देते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फोल्डेबल कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो सारा बैटर इसमें हम डाल देते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से टैप कर दें ताकि जो भी एयर बबल्स है वो इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही प्रीहीट करने के लिए कुकर को रख दिया था, इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और बहुत ही केयरफुली ये बेकिंग टिन भी हम इसके अंदर रख देते हैं, इसको हम ढक देते हैं। तो यदि आप कुकर का ढक्कन यूज़ कर रहे हैं तो उसका सीटी और गैस्केट निकाल देना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे 35 to 40 मिनट्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एडजस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर 40 मिनट्स हो गए हैं और चेक कर लेते हैं कि केक हमारा बेक हुआ है या नहीं, नाइफ डाल करके चेक कर लें। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है यानी केक हमारा बेक हो गया है। गैस को मैं यहाँ पर बंद कर दे रही हूँ और इसको निकाल लेंगे, बहुत ही केयरफुली आपको निकाल लेना है क्योंकि ये टिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और अब इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर केक हमारा ठंडा हो गया है और अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। चाकू से पहले इसकी जो साइड्स हैं उसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे इस तरीके से। और अब एक कोई भी प्लेट इसके ऊपर पलट करके इसको इस तरीके से पलट देते हैं, थोड़ा सा टैप करेंगे और ये देखिए ये केक हमारा बहुत ही ईजिली निकल आया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और यहाँ पर आप इसमें जालियाँ भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। पर ये केक अभी थोड़ा गर्म है, इसे और अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद इसकी आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने थोड़ा पानी लिया है गुनगुना और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए इसमें। तो ये सिरप हमारा तैयार है।
केक को हम ले लेते हैं बोर्ड पर और इसको भी हम कट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का पोर्शन है थोड़ा अनइवन है, इसको हम कट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसका लेवल बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर से भी कितना जालीदार ये तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है। तो ये मैं दो पोर्शन में इसको कट कर ले रही हूँ, आप चाहे तो तीन पोर्शंस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स में इस तरीके से हम कट कर लेंगे। थोड़ी बड़ी नाइफ का यूज़ करें इसके लिए। और अब इन्हें हम एक साइड में रख देते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये अनसॉल्टेड 100 ग्राम्स बटर लिया है और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो पहले एक मिनट इसको हम ऐसे ही विस्क कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छे से विस्क कर लिया है, एकदम हल्का हो गया है ये। और अब इसमें डाल देते हैं वनीला एसेंस ताकि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, बिल्कुल क्रीम जैसा ही। और इसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है, बहुत ही अच्छे से आपको फाइन पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करना है। लगभग 1/3 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं और करीब 2 से 3 मिनट तक इसको हम बहुत ही अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि ये बहुत ही लाइट और फ्लफी क्रीम तैयार हो हमारी। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से ये क्रीम हमारी तैयार हो गई है। और सबसे परफेक्ट तरीका है इसको चेक करने का, इस तरीके से हम पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। और अगर आपको इसका फुल वीडियो डिटेल में देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बोर्ड पर थोड़ी सी हम इस तरीके से क्रीम लगा देते हैं यहाँ पर आइसिंग करने के लिए। और ये जो टॉप वाला पोर्शन है, इस तरीके से हम इसको पलट करके रखेंगे इस पर। क्रीम हमने इसलिए लगाया है नीचे ताकि ये बिल्कुल हिले नहीं। और अब ये शुगर सिरप जो हमने तैयार किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल देते हैं। क्रीम अच्छे से इसके ऊपर हम लगा देते हैं जो हमने तैयार की हुई है और अच्छे से इसको हम स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है। और अब ये दूसरा पोर्शन भी इस तरीके से रख देते हैं। जो बॉटम वाला पोर्शन है वो हमने ऊपर रखा है और इसके ऊपर भी अच्छे से शुगर सिरप लगा देते हैं। इससे केक बहुत ही मॉइस्ट रहता है, बहुत ही सॉफ्ट लगता है खाने में। और अब इस तरीके से ऊपर भी हम क्रीम को पूरा अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा येलोइश कलर में है, तो क्योंकि जो बटर है उसका कलर थोड़ा सा येलो था इसलिए क्रीम भी येलो कलर में ही थोड़ी सी बनी है। और अब चारों तरफ इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई कर देते हैं क्रीम को। तो ये क्रीम जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती है, जैसे कि नॉर्मल क्रीम है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट होती है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम जल्दी मेल्ट होती है। तो बहुत ही अच्छे से हम केक को बहुत ही सावधानी के साथ पूरा लेवल कर लेते हैं एकदम अच्छे से, चारों तरफ क्रीम को स्प्रेड कर लेते हैं। तो बहुत पेशेंस के साथ आपको करना है ये काम। तो अब मैंने यहाँ पर ये केक कॉम लिया है और उससे थोड़ी सी मैं ये जिगजैग से डिज़ाइन बना दे रही हूँ। तो यदि आपके पास है तो आप इससे करिए, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको बहुत ही अच्छे से हम लेवल कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है साइड्स में उसको हम टिश्यू पेपर से वाइप आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट को थोड़ा सा ग्रेट करके रखा है तो वो साइड्स में हम इसके लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया है इसलिए साइड्स में मैं इसके ये चॉकलेट लगा रही हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से लगा देना है। और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको हटा दिया है। तो यहाँ पर ये मैंने बड़ा वाला स्टार नोज़ल लिया है और कोन के अंदर मैंने एक व्हिपिंग क्रीम को डाल दी है। इसे हम रोज़ेट्स बनाएंगे, तो बस इस तरीके से आपको घुमाते जाना है और बहुत ही सुंदर सा ये रोज़ेट्स तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सारे रोज़ेट्स बना लेने हैं। तो ये हमने बना लिया है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। और अब टॉप पर हम यहाँ पर चेरी रख देते हैं, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये केक। तो इस तरीके से हमने चेरीज़ को लगा दिया है रोज़ेट्स के ऊपर। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरे पास है यहाँ पर ये थोड़े से स्प्रिंकलर्स, सिल्वर बॉल्स है मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास सिल्वर बॉल्स नहीं है तो आप यही ग्रेटेड चॉकलेट भी इसके ऊपर यहाँ पर डाल सकते हैं। बीच में भी एक चेरी रख दिया है और बहुत ही खूबसूरत ये देखिए केक हमारा तैयार हो गया है। थोड़े से मेरे पास ये कलरफुल स्टार्स थे वो भी मैंने इस पर लगा दिया है। तो ये केक को भी मैं आपको कट करके एक बार और दिखा देती हूँ। और देखिए, नाइफ डालने से ही पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी ये
ब्लैक फॉरेस्ट केक बना हुआ है। तो यदि आपके भी बच्चे का बर्थडे आने वाला है और आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार ये केक तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी आपको कैसे लगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।